हसन बलोच साहब जी जिस तरह अकाबरीन ने तफसर के साथ अपने ख़्यालत का इज़हार भी किया खदशात और तहफ़ा का इज़हार किया आपके सामने यकन अब जो ख़बर आई है कि इंसाफ फ्राम करने की जगह पर जब आप शहरीों पर पाबंदियाँ लगा देंगे तो मैं समझता हूँ इंसानी हकूक से की सबसे बड़ी वायलेशन यही है कि हम एज ए पोल्टिकल वर्कर एज ए पोल्टिकल अकाबरीन जब इंसाफ मांगने जाएंगे अब वहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा तो मैं समझता हूँ एक काबिल तश्श और काबिल मजामत अमल है क्या आप अपने ही मुल्क के पॉलिटिकल लीडरान को नुमाइंदों को दानेश्वरों को वकला को अदालत के दरवाज़े वहाँ पे बंद किए इसकी जितने भी मजम्मत की जाए एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कम है देखीजिए अगर किसी शख्स का इस केस से हट कर अगर कोई मसला हो तो कहाँ जाए आप पसंद और नापसंद की बुनियाद पे, सेलेक्टेड और ना सेलेक्टेड की बुनियाद पे जब केसेज़ सुनोगे तो यकीनन उस माशरे में अनारकियत पहलेगी और हज़रत अली करम जो कौल है कि कुफर का तो निज़ाम चल सकता है बेानसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता है जब ऐसे रवैये हमारे जज साहिबान जो अल्लाह के बाद उनकी ज़ुमेदारी बनती है कि वो आवाम को इंसाफ़ फरहम करे जब वो ऐसे फ़ैसले करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज आइन कवान दुनिया की जो, जो प्रिंसिपल्स है इंसानी हकों के उन पे उनके ताबूत पे आखिरी टोका गया है पाकिस्तान में आज बलोचस्तान के जो पहले हम कहते थे जी बलोच हम कहते थे कि जी यहाँ वहाँ पर इंसाफ़ नहीं दिया जाता मिसिंग पर्सन के हवाले से मेगल साहब बात किया करते थे या बलोचस्तान की शू पर बात करते थे तो आप पाकिस्तान के लोग ये कहते थे कि शायद ये एक्सट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे हैं लेकिन वहाँ इन नासाफिया शुरू की गई थी आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में जो रविया इख्तियार किया है मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर बहुत मायूस हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि आज तमाम अदूत को पार किया गया है हम एज़ ए पोल्टिकल वर्कर मैं इसकी शदीद अल्फा में मजम्मत कर और मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क को वाकई जमहूरीत की तरफ आप ले ले जाना चाहते हो तो जो पार्लियामेंट का काम है पार्लियामेंटेरियन का काम है कानून बनाना पार्लियामेंट में जो अदलिया का काम है गैर जानेबदार होकर इंसाफ लोगों को देना उस हद तक जो इस्टेबलिशमेंट के काम है मुल्क का दिफा करना अगर तमाम इदारे अपने अदूद पर रहें तो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे अगर इदारे ही खुद जानेबदारी से काम लें तो यकीन तमाम मामला खराबी की तरफ जाएंगे शुक्रिया